एक बार बौद्ध मठ में एक जन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा कि गुरुजी, मैं मन से परेशान हूं। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं, कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दें। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है, आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। जैन मास्टर ने देखा कि ये आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, अकेले, हर दिन। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखें कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में न सोचें, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा, आप इसकी चिंता न करें। और वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में न सोचें। जैसे ही उसे गुरु की बातें याद आईं, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगीं। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानता था कि बंदर एक मुसीबत है तो उसे इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा है और बंदर नहीं जा रहे हैं। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे बंदर दिखा। वह जहां भी देखता वे उसके चारों तरफ होते। वह रात को बंदरों को देखता, यहां तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में बंदरों को देखने लगा। आदमी पागल हो रहा था। वह जितना ही बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थीं। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का तो ख्याल ही नहीं रहा, सब कुछ सामान्य हो गया। तब जैन मास्टर ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप उसके स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे।
विशेष जी कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 8,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता है, इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने विचारों को अनासक्त देखना है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको अधिक विचार आने लगेंगे, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को वश में कर पाएंगे। एक शांतिपूर्ण गांव में एक युवा कन्या थी जिसका नाम माया था, जिसमें अपनी कल्पना की दुनिया में प्रवेश करने की अनूठी क्षमता थी। हालांकि उसका मन अक्सर चिंताजनक विचारों में रटा हुआ था, जिससे उसे अनावश्यक परेशानियां हो रही थीं। एक दिन गांव में एक बूढ़ी बुद्धिमान महिला एलारा ने देखा कि माया किस प्रकार से संघर्ष कर रही है और उसे अपने मन को नियंत्रित करने का कला सिखाने का प्रस्ताव दिया। एलारा ने समझाया कि कुंजी यह है कि उसको अपने विचारों को देखें और पुनः निर्देशित करें। माया सीखने के लिए उत्सुक अपने ही मन की यात्रा पर निकली। एलारा ने माया को सिखाया कि जब भी नकारात्मक विचार आए तो वह एक शांत बगीचा का चित्रण करे। अभ्यास के साथ माया ने अपने मानसिक दृश्य को बदल सका, कांटेदार चिंताओं को सकारात्मकता के खिलौने में बदलते हुए। जब उसने नियंत्रण प्राप्त किया तो गांव ने माया की नई शांति को देखा और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गया। माया अब एक मेंटर बन गई, ने दूसरों के साथ एलारा की बुद्धिमत्ता साझा की, उन्हें उनके मन को नियंत्रित करने की शक्ति की खोज करने में मदद की। जब लोगों ने अपने अंदर की शांति को उत्पन्न करना सीखा तो गांव में समृद्धि हुई, जिससे सिद्ध हुआ कि मानसिक बगीचे को नियंत्रित करना एक समर्थन और पूर्ण जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकता है।